स थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है ट्रीली मीन लॉर्ड एक्स मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ कॉमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा व्हाट्सएप लिंक कैंड नंबर मैं व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करिए हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस एक मे मंथ की जनरल प्रोडिक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ यू इंटरेस्टेड आप वीडियो देख सकते हो ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग द डिटेल एक्वेरियस अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए इन मंथ ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर द डिटेल लव लाइफ रीडिंग Okay. Let's get started. Let's cut the deck. Current energies of your person is three of cups. Intention of your person is King of Wands. Future action of your person is ten of wands. Your energy, seven of cups, your intention, lovers. Your future action. Six of Pentacles. ओके फ्यूचर ऑफ दोल कनेक्शन थ्री ऑफ पेंटिकल्स ओ गुडनेस स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ स्पोर्ट चलो एक वेरियस आप डम तो नहीं हो डूजन तो नहीं डिल्यूजनल तो नहीं हो अपने से झूठ तो नहीं, तो नहीं बोलते hmm. बात तो अच्छी है जो कि मैंने बोली अभी जोरडियक्स <laughs> साइन बता देती हूँ इज स्ट्रॉन्ग लियो स्ट्रॉन्ग लियो gemini leo gemini cancer pisces and scorpio and another aquarius बाकी आपका पर्सन जिस भी Zodiac sign का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो एक बात तो श्योर शॉर्टेड है aquarius i'm happy with you कि आप आप मतलब आप वैसे नहीं हो कि कि सोचे जा रहे हो नहीं सब ठीक होगा नहीं सब ठीक होगा वो रियलिटी पे आप जीते हो एक चीज तो ये क्लियर कट दिख रहा है। शायद पास्ट में आप

किंग ऑफ ओ बहुत ज़्यादा मुझे एकदम इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे वो खींच रही है मैं देखो एक तो मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में बहुत डोमिनेटिंग पर्सन है इनको अपनी इंडिपेंडेंस इनको अपनी लाइफ बहुत प्यारी है कोई ये ऐसा पर्सन है जो मतलब ये ऐसा पर्सन है कि इनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है। अपने मन मन के मन के मर्जी के माल मालिक हैं ये पर्सन द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन टूवर्ड्स यू देखो एक चीज तो मैं बोलूँगी कि ये पर्सन आपके लिए नॉन सीरियस है बहुत क्लियर कट बता रही हूं दिस पर्सन इज वेरी मच नॉन सीरियस फॉर यू एज फॉर देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू सी यू एज अ वेरी गुड फ्रेंड उन्हें उन्हें लगता है कि एक्वेरियस एक बहुत ही अच्छा फन केयरिंग मस्ती वाला पर्सन है दे रियली टाइम विध यू उन्हें आपके साथ पार्टी करना उनके साथ घूमना आपके साथ बातचीत करना बहुत पसंद है उन्हें लगता है एक्वेरियस बहुत ही ओपन माइंडेड बहुत ही इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट पर्सन है दे रियली लाइक यू एज अ फ्रेंड लिटरली एज अ फ्रेंड एक्वेरियस और कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे यही क्लियर कट दिख रहा है कि आप दोनों सिंगल हो और आप दोनों ही सिंगल हो यू वॉन्ट समथिंग विद दिस पर्सन बट ये नहीं चाहता और ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये और लड़के लड़कियों से भी फ्लोटिंग कर रहे हैं उनके साथ डेट पे जा रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं ये पर्सन सिंगल है आई कैन क्लियरली सी दैट दे दे है कि आई एम सिंगल एंड ये पर्सन अपने ऑप्शन ओपन रख रहा है ऐसा नहीं है कि आपको धोखा दे रहे हैं या आपसे झूठ बोल रहा आई थिंक दिस पर्सन हैज ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाई मैं दूसरे लड़के लड़कियों से भी बात करता हूँ मैं डेट्स पे जाता हूँ एंड आई एंड आई एम इन्वॉल्व विद अदर पीपल

एकवे की ये पर्सन मेरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है मुझे बहुत पसंद करता है एंड दे डेफिनेटली दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू योर फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल है बहुत पैशनेट एनर्जी है बट तो कहीं ना कहीं ये अभी चुप बैठे हैं अभी ये आपको इजहार नहीं कर रहे उन्हें ऐसा लग रहा है कि सही वक्त आने पे मैं अपनी जो जो मेरे इंटेंशन है मैं बताना चाहूंगा एक्वेरियस को दे डेफिनेटली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव ये दूसरे भले ही दूसरे लोगों से डेट कर रहे हैं दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जब भी ये कंपेयर करते हैं वेन यू डेट पीपल वेन यू टॉक टू पीपल यू टेन टू कंपेयर पीपल ये बहुत हार्ड हिटिंग फैक्ट है जब भी ये कंपेयर करते ना एक्वेरियस तो ये सोचते यार एक्वेरियस बेस्ट है Aquarius से अच्छा तो मुझे कभी मिला ही नहीं है। बहुत आपको हाँ में मानते हैं। But इनका कहीं कहीं ना बार-बार कही, मुझे एक एक एनर्जी आ रही है ये commitment नहीं चाहते हैं। ये अपने आप को बांधना नहीं चाहते बी फ्री फ्री फ्रॉम फ्री फ्रॉम रिलेशनशिप फ्री फ्रॉम कमिटमेंट बट दैट मीन कि आपको धोखा दे रहे इस पर्सन मेरे हिसाब से क्लियर कट बोल रखा है एक्वेरियस दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग सीरियस आई एम नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप मेरे हिसाब से मैं क्लियर कट अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में भी मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर जब सामने वाला सामने वाला पर्सन आपको क्लियर कट बोल रहा है कि मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ मैं शादी नहीं करना चाहता फर्स्ट तो डे से इंसान सच बोल रहा है उसकी उसकी उसको तो उसके हाथ जोड़ो उसको बोलो थैंक यू सो मच फॉर बींग ट्रूथफुल टू मी एंड उसकी बातों को रिस्पेक्ट करके अपनी लाइफ के डिसीजन लो वही होता है कि सामने वाला लड़का लड़की बोल रहा है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप यू आर माई गुड फ्रेंड एंड नथिंग मोर देन दैट आप उसी इंसान के पीछे भागते हो ये अगर पैटर्न बंद हो जाए ना तो 90% ऑफ जो लव प्रॉब्लम्स है वो ही खत्म हो जाए वो ही वैनिश हो जाए और यही दिख रहा है इंटेंशन में दिस सी यू हैज वेरी गुड फ्रेंड बट राइट नाउ ये ये कमिटमेंट नहीं देना चाहती ये कमिटमेंट की एनर्जी है ही नहीं ये जो पूरी एनर्जीज है साथ में जो काज आए हैं आई एम नॉट सींग नो 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 दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट ये चाहते हैं आपके साथ फिजिकली क्लोज होना आपसे आपके साथ डेट करना आपके साथ फन करना बट कमिटमेंट इमोशनल कनेक्शन नो दे आर नॉट लुकिंग फॉर दैट

Uh, कहीं ना कहीं मुझे मैं क्लियर कट बोल अगर आप इस पर्सन के ऊपर पीछे पड़ोगे ये भाग जाएंगे ब्लॉक कर देंगे गुड so, पर्सन आप इनके एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हो ये चाहते हैं आपके साथ फिजिकली क्लोज होना बट इफ यू डोंट टोटली अप टू यू अगर आप नो no बोलोगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे किसी की किसी ने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की हुई है और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये एनर्जीज चेंज होगी नो बिल्कुल नहीं चेंज होगी फ्यूचर में मैं बताऊंगी फ्यूचर में क्या होगा लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस योर एनर्जीज करेंट एनर्जीज आप आप कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन से भी बात करो और आप भी डेटिंग फेज में हो आप भी बहुत लोगों से लड़के लड़कियों से बात करो ये सिंगल्स रीडिंग्स हो रही हैं आप दोनों ही सिंगल हो आपकी भी करंट एनर्जी में आप कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत कर रहे हो डेट कर रहे हो बट यू हैव दिस पर्सन इन योर माइंड यू रियली लाइक दिस पर्सन कहीं ना कहीं आपको करेंट uh, एनर्जी में यही दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सब चीज़ें हो सकती है इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर रिलेशनशिप कमिटमेंट हो सकता है बट कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है थोड़ा कन्फ्यूज माइंड क्लैरिटी है यू नो दैट दिस पर्सन डज नॉट वॉन्ट क्लैरिटी है बट एक होता है ना इमोशन थोड़ा आप इमोशनल हो रहे हो इस पर्सन के प्रति यू आर गेटिंग इमोशनली अटैच्ड विद दिस पर्सन प्लीज थोड़ा उसमें ब्रेक लगा दो

कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप सोचते हो उस पर्सन के बारे में और इंटेंशन है कि आपको इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना योर इंटेंशन टूवर्ड्स दिस पर्सन वेरी क्लियर कट वेरी एविडेंट आपको लगता है कि आप दोनों ही बहुत अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो है hey, बहुत अच्छी दोस्त दोस्ती है आई कैन सी दैट बट यू वांट अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन your future action towards this person that's very very good energy I'm I'm very happy with you, Aquarius Aquarius स तो तो good, good where, where, where एनर्जी दिख रही है आप ये नहीं होगी की मना कर दिया तो आप रो रहे हो पीछे पड़े हो, नो मेरे हिसाब से आप अपनी रिस्पेक्ट में रखोगे और बैलेंस में चलोगे जैसे आपने टेक्स किया आपने कॉल किया सामने से कोई टेक्स कॉल नहीं आया तो ये नहीं कि किया नो. नो तो आप भी कांटेक्ट करना बंद कर रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप आप निभाते हुए दिख रहे मुझे ये भी दिख रहा आने वाले टाइम पे आप खुद बहुत ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट करते हुए दिख रहा हैं बहुत पैसा आते हुए दिख रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने 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 लाइफ में बिजी हो जाओ मुझे यही दिख रहा है कि आपको इस पर्सन से वो नहीं मिलेगा तो आप दूसरे, दूसरे लोगों से बातचीत करोगे ठीक है ये नहीं तो कोई और सही दस बिलियन लोग हैं इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है ऑलवेज रिमेंबर दैट किसी में किसी में हीरे नहीं जड़े हुए हैं कि कोई इतना कोई इतना डिवाइन नहीं है हमेशा मैं बोलती हूँ अपने चैनल में अपनी अपनी क्वालिटी बढ़ाओ अपने आप को बेटर पर्सन बनाओ बट फॉर दिस पर्सन आई कैम सीन दैट ए गुड फ्रेंडशिप मुझे दिख रही है फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन वेरी गुड एनर्जी देखो अब देखो दो दो फ्यूचर दिख रहा है मुझे क्लियर कट दो दो फ्यूचर दिख रहा है अब दो में से अब आपके ऊपर है कि आप दो में से किस किस एनर्जी में आप जाओगे एक नंबर वन वन फ्यूचर व्हाट आई एम सीइंग इज दैट

जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा म्यूचुअल केयर होगा एक दूसरे की मतलब एक दूसरे का बहुत अच्छा साथ दोगे एक दूसरे की बहुत केयर करोगे आई एम सींग रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे की काफी हेल्प भी करते हुए दिख रहे हो अगर आप लोग का सेम प्रोफेशन है आप लोग सेम सर्कल में हो, तो आप लोग एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ में काफी हेल्प करते हुए दिख रहे हो बट आई एम सींग स्ट्रॉग फिजिकल रिलेशनशिप कैजुअल अफेयर तो चूज अब आपको करना है वेरियस कि आप क्या चाहते हो सी

That एक अच्छा कनेक्शन एक अच्छा रिलेशनशिप हो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी हो सकती है कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं सो so, मैं क्लियर आपको बोलूंगी इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ कैजुअल अफेर इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट थिंग इट्स ओके दैट्स योर लाइफ यू कैन गो हैड बट अगर आपके इमोशन है लव है आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करो दिस इज नॉट द पर्सन फॉर यू एक्वेस मैं आपको एवडेंट मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ ठीक है क्वेरियस दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो अ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टारो रीडर बाय बाय